गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसको आपको स्टार्ट करते हैं और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब आकाश जा चुका है और सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, लेकिन कुछ घर में सामान फैले पड़े हैं तो वो जरा मुझे सेट करना है। सबसे पहले मैं ये सेट करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज का दिन मुझे नहीं पता क्या करना है, जो भी होगा दिखाते जाऊँगी और देखते हैं। वैसे आकाश ने आज और कल में बोला है, प्रॉमिस किया है मुझे गिफ्ट दिलाने में, तो देखते हैं। वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, वैसे मुझे मना ही करने वाली, क्योंकि बस सब कुछ है, बस कपड़ों में बहुत कुछ है, सब कुछ ही चीज़ें हैं, तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, और देखते हैं सब लोग। यहाँ पूरे मैं कवाड़ा हो चुका है और आज आकाश ने मुझे बोल ही दिया है कि आज ना जो सोफ़ा है ना वो साफ़ कर देना। पहले बोला कि एक काम करो, कि मैंने कहा बोलो, तो कह रहे कि ये जो सोफ़ा है इसको साफ़ कर दोगी। मैंने कहा हाँ, मैं आज वैसे भी पूरा घर सेट करने वाली हूँ पूरे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब गर्मी आ गई हैं इतना, अभी भी मुझे लिटरली बहुत गर्मी लग रही है। मैंने पंखा चला रखा था, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैंने पंखा भी बंद किया है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है। तो पहले मैं ये सबको सेट करती हूँ, उसके अलावा मैंने यहाँ पर पूरा साफ साफ कर दिया है, ये पूरा झाड़ बुड़ के साफ करा मैंने इधर से, और इधर मैंने कंबल निकाल दिया है, तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस तो नहीं थी, तो जो भी हमारा कंबल था मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया कि वहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभी शायद गेस्ट आने वाले हैं, मतलब आकाश के दोस्त आएंगे 27 को आसपास, तो फिर हम तब मुझे निकालने में इजी रहेगा, वरना बेड में डाल दो तो बड़े दिक्कत रहती है। और फिर इसलिए मैंने ये चादर, गर्म वाली चादर भी हटा दी, और ये कम्फर्टर थे। कम्फर्टर वैसे भी ना बहुत इस टाइम के मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है, इसमें भी गर्मी ही लगने वाली है, हमें रात में भी पंखा चला के ही सोना पड़ता है, और देखना कितना गंदा हो गया है। ये कुछ सूट्स थे जो मैंने निकाले, मैंने कहा थोड़ा बहुत पहन लूँ, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल पता ही नहीं चलता मैंने पहने कैसे, जैसे ही अच्छा लगता है सिर्फ खाली सूट पहना चाहिए, ऊपर जो स्वेटर पहन लेते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो, तो इस चक्कर में मैंने बिल्कुल भी क्या कहते हैं सर्दियों का टाइम मैंने बिल्कुल ये सूट वगैरह नहीं पहने, और अगर पहने भी तो खाली मतलब गर्म है ऐसे पहने, जो मुझे सिर्फ खाली पहनने पड़े, ऊपर से कुछ कोट वोट ऐसा कुछ ना डालना पड़े। तो अब ऐसा मौसम मुझे है कि मैं इनको पहन सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इनको प्रेसेस करूँगी। ये मैंने कमर निकाल दिया धुलेगा, यहाँ पूरी सफाई हो चुकी है, बर्तन उतर हो चुके हैं, यहाँ दाल रख दी बनने के लिए, क्योंकि कल हमने बहुत खाया है, क्योंकि रात में ही खाया था हमने क्या कहते हैं भैया के साथ में, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए, तो फिर आकाश का वो छोले कुलचे खाने का मन करा, तो फिर छोले कुलचे खाए, फिर ऑर्डर करके भी मंगवाए, फिर वो भी छोले कुलचे थे वो खाए, फिर शाम में फिर हम खाना खा के आए थे, तो इसलिए बहुत बाहर वर्का हो गया, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा हल्का खाना बनाएंगे, दाल चावल खाएंगे, और उसके बाद शाम को देखेंगे दाल वगैरह ऐसा कुछ बनाएंगे, जो प्लेन दाल पीने वीने के लिए वैसा कुछ बनाएंगे। और आज मुझे सब्जियां लेके आने, घर में एक भी सब्जी नहीं है अभी भी, दाल के लिए भी मेरे पास टमाटर नहीं है, तो मैं देखती हूँ आकाश अगर आएगा तो आते वक्त बोल दूँ थोड़ा टमाटर लेके आ जाए, वरना जैसे भी होगा देखेंगे, और उसके अलावा बस यही है, हम कपड़े संभाल देते हैं। इस लड़के ने पता नहीं कहाँ पर ये मूंछ लगवा ली इधर, और मैं घुमा रही हूँ तो घुमाने नहीं दे रहा तू, अब मुझे ढीला रखो पैर, मुझे करने दो पहले हल्का, लूज करो पैर, हाँ तो तुम लूज रखोगे तभी तो नहीं होगा, तुम्हारे देखो यहाँ मोचा है ये तभी होगा ये, हाँ तो ये इधर उधर होगा, यहाँ होते तो मैं यहाँ से घुमा देता, यहाँ है मोच, ऐसे घुमा दो, ऐसे मत करो, अरे तो वो होगा कैसे बच्चे, तुम ऐसे करने तो दो मुझे, हाँ ये यहाँ पे ना, तो ये यहाँ से होगी, ये यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है ना, ये हाँ तो ये ऐसे तो होगा, तुम मेरे अंगूठा क्यों दबा रहे हो यार, अभी मेरे लग रही, तुम कैसे कर रहे हो, आराम से करो, आराम से करो, तुम जो जितनी देर नौटंकी करने लग रही ना, बहुत देर हो गया अब तुमको, मेरे दर्द हो रहा है, नौटंकी कर रहा हूँ मतलब कर रहे हो ना नौटंकी, नौटंकी नहीं कर रहा आराम से मूव करो, आराम से कर रहा हूँ, ओए लवी तुम ये मेरी उंगली क्यों दबा रहे हो, हाँ ये दर, आई आई मेरे मेरी मेरी नस चढ़ गई, उतर गई ये सूझ गया है क्या, देख लगा, मुझे लग रहा था सूझा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बच्चे, सूजन तो है देखो, अरे आपने बाल हटाओ पहले, देखो ये देख लो ये हड्डी दिख रही है, अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हड्डी दिख रही है, अरे यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट हो रही है, इसको जितना करोगे तो ये भी दिखेगी, नहीं नहीं हो रही, हल्की फुल्की है इतनी, ऐसी ज्यादा वो नहीं है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
एक्सरे करवा ले रहा हूँ। करा लो चलो। ये है ना, हाँ तो ये मोच है तुम्हारे, या फिर हो सकता है कभी कभी किसी चीज से तुम्हारा ठुकवुक गया हो पैर, ठुकरा तो नहीं पता नहीं चला हो, तो खून तो निकलता। अरे ऐसे नहीं, कभी कभी अंदर चोट लग जाती है ठुकने से। देखो वैसे मत घूम रहा है। हाँ तो तुम्हें एक तुम्हारा हड्डी वड्डी नहीं छिट गई है, सही है बिल्कुल पैर, और इतने मोच में भी नहीं घूमता पैर तुम्हारे भी, लगा यहाँ पर तुम्हारे कुछ लगा है बस, उसी की वजह से तुम्हारा ही हो रहा है। तो लगता तो भी पता तो चलता। मजा आ रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नौटंकी करने लग रहे हो मेरे पैर दबाने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, कैसी पागल वाली बात। और पता है आकाश के अगर मैं कर रही हूँ ना तो उसको रोना नहीं आ रहा यार, इतने चिल्ला के हंसने लग रहा है, तो वो किसी को भी लगेगा कि तुम नौटंकी कर रहे हो। रोना आए तो रो कैसे, देखो मैं दिखाऊं ऐसे रो कैसे सकता हूँ, भी बहुत ही दर्द हो रहा, मत करो, दबा रहा हूँ अब तो, दबाओ मत, बहुत हल्के के हंसते ऐसे करो, बहुत हल्के का सा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या करूँ, यूं करते रहो, सही लो ठीक है, ऐसे नहीं थोड़ा हल्का सा बस, मसाज टाइप करते बस, ऐसे करो मसाज टाइप करो, नौटंकी कम करो, फिर वही वाली बात आ जाएगी। रखो मेरे पैर की, इसको तो रखो, उसने ये बोला था डॉक्टर ने इसको रख के तब करना। ये डॉक्टर पता है ये कौन सा, ये डॉक्टर है, ये है YouTube डॉक्टर। रखो पैर, एक सेकंड इसको भी रखो। अबे कितने पर रखोगे? अरे उसने बोला बहुत ऊपर रखना। ओए होए ये हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पैर सही हो गया, और ठंडी भी लग रही है। ये हमारे पास आइस का है, ये ना मैंने एक बार मंगाई थी आइसक्रीम, तो जोमेटो वालों ने वो दे दी बना जाए ठंडी, वो गर्म ना हो जाए, गर्मी में टाइम मंगाई थी तो इसलिए इसने ये दिया था, तो फिर मैंने अपने पास रखा तब से इसे। कैसे गोरे चिट्टे पहने? अरे वो तुम अभी उस डांस से आए हो ना, पसीने के वजह से। बस 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 हटाओ मसाज कर दो हल्की सी, ऐसे मसाज होने नहीं, सूखा हो गया है कोई बात नहीं, ऐसे हल्का दबा दो, देखता हूँ दर्द तुम्हें लेगा बेफालतू, देखता हूँ दर्द हो रहा है कि नहीं, अब नहीं हो रहा है, हल्का हल्का बहुत हल्का, हाँ तो वो धीरे धीरे इसमें ऐसे हो जाएगा। एक जगह रखो मत मेरे पैर की पूरी दशा, भाई जिस चीज से मैं काम हुआ है जो मेरा मैन वही दिक्कत कर रहा है, ये छोटी मोटी वो है तुम्हारे, ये छोटी ना ये बहुत बड़ी है। हटाओ हटाओ हटाओ, सुनो क्या बस चटका चटका, अरे चटक नहीं रही, हाथ ये अंगूठा चटकाओ, अंगूठा अंगूठा नहीं चटकता कभी भी, चटक जाएगा ऐसे ऐसे नहीं चटकता, नहीं चटकता ऐसे, खींच रहे नहीं चटक रहा, हाँ ऐसे झटका था मारो तुम खींच रहे थे। ओ बैस्की टांग, हालांकि पैर में कुछ गड़बड़ होगी ना, तुम्हारा पैर काट के लगवा लूंगा मैं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पैर सुंदर है, तुम अपना पैर मेरे लगा देना फिर, तुम्हारा पैर मेरे से भी सुंदर है, काम भी तो करना चाहिए वाला पैर, जब मैं डांस नहीं कर पाऊंगा फिर क्या करूंगा पैर का। मेरे पैरों से डांस करना, फिर जो तुम्हारे पैरों को स्टेप्स आते होंगे ना वो मैं करूंगा, और जो मेरे पैरों को आते होंगे वो तुम करना। थैंक यू, और ज्यादा चलोगे तो दर्द होगा फिर, अरे हम बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स लेके आए घर जा रहे हैं बस, कॉफी पी के हल्दी बीकानेर के सामने हल्दीराम बोल रही थी बीकानेर को।